कि मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया है कि कोई पुराना पुराना खाना खा रही हूँ। यूनिक वाला खाना आज बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ एक यूनिक सा एक यूनिक सा ब्रेकफास्ट, जिसमें बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा। सब्जी अंडा वंडा सब रहेगा। इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, आप लोग सिलेक्ट करो इसका नाम क्या हो सकता है। तो कुछ वेजिटेबल्स लिया है मैंने, आधा कैप्सिकम, एक बड़ा सा टमाटर, एक बड़ा सा अनियन, थोड़ा सा धनिया पत्ता और दो छोटा छोटा कैरेट और दो हरी मिर्च। इन सारे चीजों को मैं अच्छे से चॉप कर लूंगी एकदम छोटे पीसेस में। सो इधर पे मैंने करीब 5 या 6 रोटी बन सकता है उसके हिसाब से आटा लिया है। मैंने आटा यूज किया है, आप मैदा यूज कर सकते हो। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडा, डाल देंगे यहाँ पे 1 पिंच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हो आप, और डालना है हमें यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। नेक्स्ट जो वेजिटेबल हमने चॉप करके रखा है उसमें से आप डाल दीजिए जितना आपको मर्जी है, और इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा वाटर की हमें जरूरत है। अगर आप वाटर नहीं देना चाहते हैं तो इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, दूध से भी बहुत अच्छे से ये बनता है, पर हम घर पे दूध नहीं है तो वाटर डाल लिया। आटा को गूंदने के बाद थोड़ा सा टाइट जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे गूंदना है, और इसका आप रोटी भी बना सकते हो, पर हम कुछ अलग बनाएंगे। तो इसको आधा घंटा के लिए या तो 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर। पूरी जो डो है ना, थोड़ा सा ऊपर से आप आटा डालिए, नहीं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जी है, नमक है, तो सब्जी नमक डालते ही जो है ना वो पानी छोड़ने लगता है। तो हाथों की प्रेशर से इसको आप ऐसे रोटी जैसे बना लीजिए। यस, आपको एक ही रोटी बनानी है, 4-5 नहीं, पर मोटा सा रोटी बनानी है आपको इस तरह से। आप देख सकते हैं पूरा एकदम गोल करके बना लिया है, थोड़ा सा ये मोटा बना है, ऐसा ही बनाना है। अभी मैं इसको चाकू से कट करूंगी, तो चाकू के ऊपर ना मैं थोड़ा सा आटा लगा दूंगी ताकि ये कट होने के टाइम पे ना कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जैसे केक कटिंग करते हैं ना, उस तरह से हमको कटिंग करना है। अभी इधर से आधा आधा, अभी इधर से भी जैसे पिज्जा के जैसा कटिंग करना है। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक का पैन लिया है, नॉनस्टिक पे करेंगे तो अच्छे से बनेगा। आप तवे में भी सेक सकते हैं, पर थोड़ा सा ऑयल देके बनाने से ज्यादा टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा ही देखो मैंने ऑयल डाला है। हमारा पिज्जा लुकिंग ब्रेकफास्ट फ्राई होने जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, ऑयल को चारों तरफ मैं ऐसे घुमा लूंगी, एक एक करके जैसे मैंने कट किया है ना उस तरह से इसको फ्राई करूंगी। फ्लेम को धीमी रखूंगी, सब एक साथ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा पैन थोड़ा सा छोटा हो गया है और मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक एक एक साइड को हमें फ्राई करना है। जब तक ये ब्रेकफास्ट बन रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी कुछ लिपस्टिक का कलेक्शन, क्योंकि पता है ना होली आ रहा है और होली पे ना बहुत धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट में आप ये ब्यूटीफुल सा कलर ले सकते हो। पहले वाला जो लिपस्टिक है वो है पर्पल लिप क्रेयॉन। इसका जो कलर है ना एकदम डार्क मेरूनिश है, रेडिश मेरून आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप देख सकते हैं वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में कितने सुंदर से कलर आ रहे हैं। और आपको मैं ये सन और घर के लाइट दोनों में ही ये कलर दिखा रही हूँ। ये कलर ना बहुत प्रिटी है और डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी अच्छा लगता है। सेकेंड वाला ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मैजेंडा पिंक आप बोल सकते हो। ये है पर्पल अल्ट्रा वेलवेट मैट लिपस्टिक। ये लिपस्टिक जो है ना वो मेरी फेवरेट है। इसका जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा रहता है, बहुत पिगमेंटेड है, क्रीमी फिनिश देता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखो धूप में कितना अच्छा कलर लग रहा है, और देखो इसको क्लीन करने में भी आपको कितनी आसानी होता है। नेक्स्ट वाला जो लिपस्टिक है ये भी एक थोड़ा सा पिंकिश कलर में है, और ये है पर्पल लिक्विड लिपस्टिक। ये भी मुझे बहुत पसंद है। बस इसको सुखाने के लिए आप 2 सेकंड टाइम दे दो, उसके बाद आप देखो कितने टाइम तक ये रहता है, और बहुत ही पिगमेंटेड और वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में अच्छा कलर आता है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे मैं दे दूंगी, पसंद आ रहा है तो चेक कर लेना। जल्दी जल्दी 8 मार्च के अंदर ही ले लेना, क्योंकि ऑफर जो है ना वो 8 मार्च तक की है। एक राउंड मेरा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हो। फिर से मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल को फिर से मैं थोड़ा सा ऐसे चला दूंगी पूरी चारों तरफ। फ्लेम को मैं एकदम धीमी रखूंगी और फिर से एक एक करके मैं उठा के डाल दूंगी। दो तीन मिनट बाद आप एक बार चेक कर लो ये कितना हुआ है, नहीं तो ये जल सकता है पीछे से। देखो एकदम हो गया है, चारों साइड पे ब्राउन ब्राउन हो गया है, मतलब हो गया है। और इसको हम ऐसी स्टेज में ही पलट देंगे। मेरा ये सिलिकॉन का जो स्पैचुला है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है इन सारे चीज़ों में इसका यूज़। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी हमने इसको उलट पलट दिया है, तो इस टाइम पे भी हम थोड़ा सा ना ऑयल डाल देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी ना अच्छे से हो जाए। बहुत ही कम ऑयल में मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, हेल्दी है। और बच्चे लोग तो इसको आराम से, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा चीज़ या पनीर डाल देंगे ना तो आराम से खा जाएंगे इसको पिज्जा समझ के। मैं तो अपने हस्बैंड को भी बुद्धू बना सकती हूँ। ओके, सो दोनों साइड से अच्छे से पकने के बाद हम चेक कर लेंगे कि दोनों साइड से अच्छे से पक गया है, उसके बाद हम इसको उठा के रख देंगे। बनने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, थोड़ा सा खट्टापन आएगा इससे। थोड़ा सा काली नमक, क्योंकि नमक मैंने ज़्यादा तो डाला नहीं था ना सब्जी में इसीलिए। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं चाट मसाला। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ता, थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला चीज़ या पनीर भी डाल सकते हैं। इससे भी ये पिज़्ज़ा जैसा दिखेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो हमारा पिज्जा लुकिंग ब्रेकफास्ट इज रेडी। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग तो अभी ड्राइविंग स्कूल जा रहे हैं ना, तो ड्राइविंग का ये ऑलमोस्ट 1 महीने का कोर्स रहता है। पर बोलते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है भगवान। क्या है कि आज हमारा स्कूल से फोन आया था कल कि आज नहीं आया होगा क्लास, कुछ प्रॉब्लम है उन लोगों का, तो इसीलिए मैं बच गई। क्योंकि आज अनिर्बान की ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहेगा उसका, तो वो सुबह जाएंगे और रात मतलब 10-10:30 बज जाएगा आई थिंक। सो आज अगर मुझे टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ड्राइविंग स्कूल से आते ही मम्मी ब्रेकफास्ट बना के रखती है, मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रात को ही ब्रेकफास्ट ही करके रखती हूँ, मम्मी बाकी ब्रेकफास्ट बनाती है, आते ही मैं कूद पड़ती हूँ खाने में। और उसके बाद अनिर्बान एक्चुअली खाना खा के ऑफिस जाते थे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पर आज ज़्यादा जल्दी जाना है उसको। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी यम्मी अभी लंच बनाते हैं। लंच का तो रेसिपी बहुत सिंपल है, बंगाली है हम लोग, फिश तो खाएंगे। पार्किंग में जब कार पार्क करने के लिए देते हैं ना, वैसे मम्मी कर सकती है। इतनी सी स्पेस में फिश को ऐसे पलट रहे हैं जैसे छोटे से पार्किंग एरिया में कार को पार्क करना है। Thank you.
11 बज गए हैं, हमारा जो घड़ी है वो 5-10 मिनट मैं मतलब फास्ट रखती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि मैं टाइम के साथ भाग भाग के ना थक जाती हूँ। सो अभी हस्बैंड निकलेंगे, सारा टिफिन उसका पैक हो चुका है, स्नैक्स से लेकर सब कुछ और फ्रूट्स भी दे दिया है। सो मेरा आधा काम इधर पे ही ख़त्म होता है। अभी मम्मी और मैं शाम को थोड़ा सा टहलते हैं, हमारे अपार्टमेंट की जो चारों मतलब साइड है ना उधर पे अच्छा लगता है। और देखो ये हर रोज़ हम लेते हैं वो एक, इसको बोलते हैं नोआर, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आंवला बोलते हैं क्या पता नहीं। तो ये हम लोग रोज़ पेड़ से लेते हैं और खाते खाते हम लोग करते हैं वॉकिंग, है ना। शाम के टाइम पे ना थोड़ा सा अभी पेड़ पौधों को पानी देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, एक तो हमारे अपार्टमेंट में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कुछ, ऊपर से क्या होता है कि अभी गर्मी स्टार्ट होने लगा है ना तो मिट्टी सूख जाता है। तो देखो हमेशा ही मिट्टी को ना इतना गीला रखना है। सारे फ्लावर को मैंने ऐसे काट दिया है ताकि नया पत्ता आ जाए। बोला था ना मैंने आपको आज दिन भर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। स्नैक्स में भी एक बहुत ही हटके वाला बनाएंगे हम खाना, वो हम लोग उसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, ब्रेड का होता है पर आई नो जगह जगह पे उसको अलग नाम से बोला जाता है। ये बचपन में मम्मी बहुत बनाती थी, क्या बोलो मतलब संडे सैटरडे इवनिंग टाइम में ये हम खाते थे, सुबह कभी नहीं खाते थे क्योंकि ऑयल में फ्राई होता है, तो इसीलिए हम लोग तो इसको फ्रेंच टोस्ट ही बोलते हैं। आप बताना आप क्या बोलते हो। तो फ्रेंच टोस्ट के लिए यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले फेंट लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 2 अंडा, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है बड़ा सा और एक मीडियम साइज का टमाटर और 2 हरी मिर्च लिया है। मैंने पहले भी इस चॉपर का आपके साथ लिंक शेयर किया था, इसमें बहुत अच्छे से आप चॉप कर सकते हो, जस्ट ऐसे लगा लो और बस इसको ऐसे चला लीजिए, ये मिनटों में ऐसे बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है आप हाथों से कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगी, ओनली 200 रुपीज इसका प्राइस है। सो इसमें मैंने और एक अंडा डाल दिया है क्योंकि 3 लोगों के लिए बना रही हूँ ना, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी 1 पिंच, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये जो अभी अभी चॉप किया है वो भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बारीक में चॉप हुआ है। और इधर पे एक नॉनस्टिक का पैन चढ़ाया है मैंने, अगर आप नॉनस्टिक में नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इधर ये भी मैंने मिक्स कर लिया है, आहा मुँह में पानी आ रहा है। आप हरी मिर्च के जगह पे ना ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम एक ब्रेड डालेंगे, बस बहुत सिंपल है बट एट द सेम बहुत टेस्टी है। आप बारीकी से अगर अनियन टमाटर और हरी मिर्च को चॉप करेंगे ना तो बहुत टेस्टी होता है वो, जब आप खाएंगे मुँह में थोड़ा थोड़ा आएगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर से और बैटर डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा आपको ये नहीं करना है, इससे जो ये ब्रेड है ना वो टूट सकता है, बस आप ब्रेड को इसमें जस्ट डीप करके डाल दीजिए। ज़्यादा डीप करोगे ना तो क्या होगा, ऊपर से जो है ना आपका ब्रेड ऐसे टूट जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहते हैं ना। तो देखो 4 ऑलरेडी फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, एक्चुअली हमें ज़्यादा फ्राई पसंद है पर आप लोगों को दिखाने के लिए एक मैंने कम फ्राई किया है। मैं मम्मी मेरे हस्बैंड तीनों को ही ज़्यादा एकदम मतलब रेड करके ब्लैक करके फ्राई करना पसंद रहता है, दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको टिश्यू पेपर के अंदर रखिए और नॉनस्टिक कढ़ाई में फ्राई कीजिए, ऑयल बहुत कम लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो सॉस और आप थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, उफ़ क्या बनेगा आपका स्नैक्स। पता है आपको मैंने ये बनाया था तो अनिर्बान को छोड़ के खाना का मन नहीं होता ना, मैंने उसको थोड़ा सा टिफिन तो दिया ही था, फिर ऊपर से मैं ये बना के उसको ऑफिस के बाहर दे के आई हूँ, मुझे तो घुसने नहीं देंगे, मेरे पास आई कार्ड नहीं है, तो उसको बुलाया कि तुम आओ, तो वो आए आगे, मैं उसको टिफिन बॉक्स हॉट पॉट में दे के आई हूँ,
ताकि वो खाते खाते काम करे, क्योंकि आते आते उसको आज बहुत रात हो जाएगा और उतने रात में ये खाने का मन नहीं है। इसीलिए ना मैं कोई अच्छा स्नैक्स बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो नहीं रहता है और तो अकेला मम्मी और मेरे खाने का मन नहीं करता है, और सैटरडे संडे घर पे नहीं रहते हैं ना। फिलहाल चलो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डिनर दिखाती हूँ, जो यम्मी डिनर है। अभी हम चिकन तो कम खा रहे हैं, फिश भी, मतलब सब कुछ में डर लग रहा है खाने में, तो उसी लिए कम कम खा रहे हैं, तो पनीर वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं। तो एक पनीर की रेसिपी शेयर करती हूँ। मटर पनीर सिंपल है पर यूनिक है, क्योंकि मैं यूनिक तरीके से ही बनाऊंगी। मटर पनीर के लिए पहले मैंने पनीर को अच्छे से चॉप कर लिया है, अच्छे से मतलब मैं बोलते बोलते हैबिट बन गया है। थोड़ा सा बड़ा टुकड़े में मैंने पीस कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ाया है उबलने के लिए। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, और ये नमक वाला गर्म पानी जो है ना ये मैं पनीर के अंदर डाल दूंगी। मैं पनीर फ्राई नहीं करती हूँ, पनीर को नमक वाले गरम पानी में रखती हूँ। इससे पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और इसके अंदर नमक जाता है। फ्राई करने से ना पनीर बहुत स्टिफ हो जाते हैं और इतना हेल्दी नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। मसाले में मैंने एक आधा इंच अदरक लिया है, 5-6 लहसुन, और लिया है मैंने 2 प्याज मीडियम सा और 2 टमाटर। सारी चीजों को मिक्सी में डाल के इसका मसाला बना देती हूँ। मसाला भून के रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पनीर में जो मैंने गरम पानी डाला था, बस 10 मिनट के लिए डालना है, उसके बाद पानी फेंक देना, नहीं तो पनीर ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो सबसे पसंदीदा क्यूट सा एक कढ़ाई है उसको मैंने चढ़ाया है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें ना थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लगता है तो ही टेस्ट बनता है। आप नॉर्मल तेल से भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी ऑयल से। इसमें मैंने एक सूखी लाल मिर्च लिया है, और ना मैं इसके अंदर जो इसका मेरा स्पेशल है उसके अंदर मैं शाही जीरा डालती हूँ। आप नॉर्मल जीरा डाल सकते हैं। मसाला डाल दूंगी मैं, मसालों को अच्छे से मैं फ्राई करूंगी। छोटा सा कढ़ाई है ना, इसीलिए क्या होता है कि कम ऑयल में भी ना मसाला अच्छे से कुक होता है और ऑयल फ्लोट करके ऊपर आता है, जो दिखने में और खाने में जो नहीं टेस्टी लगता है। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। 2 मिनट तक अच्छे से कुक करने पे इसका थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाता है। उस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी पीस, मतलब कढ़ाई शूटी, मतलब मटर। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, कभी भी आप मटर जो है ना, ज़्यादातर हम लोग छील के फ्रिज में रखते हैं हफ्ते भर का। मैं फ्रोजन मटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल मटर की बात कर रही हूँ। तो उसको ना फ्रिज से आप आधा घंटा पहले अगर निकाल लेंगे तो आप देखेंगे मटर जल्दी बॉयल हो जाता है, नहीं तो मटर को बॉयल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट। तो मैंने ये इसको निकाल के रखा था, तो करीब इसको मुझे और 3-4 मिनट कुक करना है ढक्कन डाल के, तो ये पूरा अच्छे से बॉयल हो जाएगा मटर। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसकी नोटिफिकेशन किसी को नहीं आया था, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, शायद आप बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वॉल पे नहीं आ रहा है। तो मैं बता देती हूँ, मैंने हाल ही में 4 रेसिपी शेयर किया था, बहुत ही यूनिक और बहुत टेस्टी वाला वेज रेसिपीज, जिसमें एक था रेनबो वाला मिक्स्ड वेज, वो बच्चों को बना के जरूर खिलाना। उसके बाद था चटपटी एक लौकी की सब्जी जो प्योर वेज है और बहुत टेस्टी बना था। थर्ड वाला जो रेसिपी था वो था एक मेथी मटर मलाई,
वो मेथी मटर मलाई, मतलब मलाई जैसा मुंह में लग के रखता है। और एक बार बनाया था मैंने कैप्सिकम पनीर ऑमलेट, वो कैप्सिकम पनीर ऑमलेट वाला जो रेसिपी था ना, उसको जरूर ट्राई करना। आप सर्च करना सब्जी बाई ग्लैम विथ मी बोल के, आपको मिल जाएगा। धीमी आंच पे 2 मिनट कुक करने पे ना मटर जो है ना ऑलमोस्ट हो जाता है बॉयल। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बस मिला लेंगे। थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं किचन किंग मसाला डालूंगी, जीरा धनिया नहीं डालूंगी। फिर से 1 मिनट ढक्कन लगा के कुक करूंगी। नमक डाला है ना, तो ये जो मटर है बहुत अच्छे से गल जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये पक गया है, ऊपर से जो है आप देख सकते हैं ऑयल फ्लोट करके आ रहा है। जब तक इस रेसिपी में ऑयल ऊपर से फ्लोट करके नहीं आएगा तब तक ये रेसिपी में टेस्ट नहीं आएगा। अभी ये मज़ेदार बना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। मटर भी हमारा एकदम बॉयल हो गया है। पानी में उबाल आने पे मैं पनीर को ऐड कर दूँ। अभी अच्छे से पनीर को ग्रेवी में मिला लूंगी। 2 मिनट हो गया है, बस मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और आप जितना ग्रेवी देख रहे हो ना, थोड़ी देर बाद सूख के एकदम जैसा आपको चाहिए वैसा ही बनेगा, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना ऊपर से हम ऐसे छिड़क देंगे, थोड़ा सा एक पिंच। और ये ढक्कन जो है वो लगा के इसको स्टैंडिंग टाइम में छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद गरम गरम रोटी के साथ सर्व करो। मैं ना एक बार घूमने गई थी, कहाँ गई थी, इंटीरियर गार्डन। आप इंटीरियर गार्डन का जो व्लॉग है ना लुम्बिनी पार्क, वो बुद्धा मूर्ति का एक व्लॉग है, बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है। उसका भी नोटिफिकेशन किसी को नहीं मिला था, आप लोग प्लीज़ एक बार सर्च करना लुम्बिनी पार्क व्लॉग बाय ग्लैम विथ मी बोल के। उसमें भी मैंने ये बना के देखे गई थी। उस टाइम से अनिर्बन का ये फेवरेट बन चुका है पनीर का रेसिपी, मटर पनीर। आप लोगों को कैसा लग रहा है, यम्मी ना, मुंह में पानी आ रहा है ना, तो बना के ज़रूर खाना। खा के मुझे कमेंट करके बताना कैसा हुआ है। और मेरे बंगाली चैनल, बंगाली बोलने वाली थी, अगर इधर पे सब लोग बंगाली बोलते हैं ना, तो इसीलिए। तो मेरा बंगाली चैनल जो मैंने ओपन किया है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय।